अरे केविन, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। टहलने नहीं, काम पर वापस जा रहा हूँ। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले तो थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर जाते वक्त मास्क पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और हर वक्त दूसरों से 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। इस तरह से मैं खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी थी तुझे चेतावनी देना, तो दे दी। देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है काम करने की। कुछ हो गया तो हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और किसी भी कारण ये बीमारी मुझे हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं है, दूसरे को हौसला बढ़ाने का वक्त। भाई तू काम पर जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी नाक नहीं कट जाएगी। मास्क तो पहन लीजिए। हाँ, अरे नाक तो ढक लो। हाँ, कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। हमें उससे डर कर नहीं बल्कि पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए और रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाए, देश को आत्मनिर्भर बनाए। जय हिंद।